सच्ची मित्रता यानी ट्रू फ्रेंडशिप। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। रविचंद्रन को पंछियों से बहुत लगाव था, यानी पिक्चर के अंदर देखो आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है, ओके, तो ये लड़के का नाम है रविचंद्रन, ओके। ये रविचंद्रन को पंछियों से बहुत लगाव था, उसके आसपास बहुत सारे पंछी दिख रहे हैं ना आपको, उसको पंछियों से बहुत लगाव था। पंछियों को दाना खिलाना, उनको उड़ते देखना, उनसे बातें करना उसे बहुत खुशी देता था। यानी ये लड़का है जिसको पंछी बहुत पसंद थे, उसको खाना खिलाना, उनको उड़ते देखना, उनसे बातें करना उसको बहुत खुशी देता था। चलो नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। अप्पा क्यों, क्या मैं अभी पंछियों की तरह उड़कर उनके इनके साथ खेल सकता हूँ? बच्चा क्या, बच्चे जो रविचंद्रन है वो बताता है, पूछता है अपने अप्पा से। अप्पा का मतलब होता है पापा, फादर, ओके। अपने अप्पा से पूछता है क्या मैं पंछियों की तरह उड़कर उनके साथ खेल सकता हूँ? तो रविचंद्रन के पापा बताते हैं नहीं बेटा, हमारे पास पंख नहीं है तो हम उड़ नहीं सकते, ओके। हम लोग नहीं उड़ सकते ना, बर्ड के पास तो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इसीलिए वो उड़ सकते हैं, पर हमारे पास पंख नहीं है तो हम उड़ सकते नहीं। तो ये आंसर उसके पापा उसको देते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है। अम्मा आज मेरा एक ही मित्र आया है, मिट्टू राजा, ओके। अभी दूसरे दिन क्या होता है, जब वो लड़का छत पर अपने पंछी दोस्तों को दाना देने के लिए जाता है, तब उसका एक ही फ्रेंड आता है दाना खाने के लिए, मिट्टू राजा, और कोई आता नहीं। तो देखो ये जब सवाल पूछता है कि आज मेरा एक ही मित्र आया है, दूसरा कोई आया नहीं, तो उसकी अम्मा उसको क्या समझाती है, तुम उदास न हो, कल सारे मित्र आएंगे। अम्मा उसको समझाती है कि तुम उदास मत हो, कल तुम्हारे सारे मित्र यहाँ पे आएंगे। चलो अभी सेकंड नंबर के पिक्चर में देखते हैं। रविचंद्रन को क्या हुआ, उदास लग रहा है, यानी उसका कोई फ्रेंड आया नहीं तो वो उदास हो गया। तो उसके उदास होने के कारण जब उसके पापा घर पे आते हैं तो उदासी का कारण रविचंद्रन की मम्मी को पूछते हैं कि आज वो उदास लग रहा है, क्या हुआ है? तो अभी रविचंद्रन की मम्मी क्या आंसर देती है, आज रविचंद्रन के मित्र पंछी छत पर नहीं आए इसीलिए उदास है। क्या बताती है उसकी मम्मी, कि उसके जो पंछी दोस्त है वो छत पर आए नहीं दाना खाने के लिए, इसीलिए वो उदास है। चलो अभी ये जो पिक्चर के नीचे इंग्लिश में बताया गया है वो सेम हिंदी स्टोरी का इंग्लिश वर्जन है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में क्या है। अगले दिन यानी जो उदास हुआ था उसके दूसरे वाले दिन क्या होता है। रविचंद्रन देखो हम तुम्हारे मित्रों को घर ही ले आए हैं, अब तुम चाहो उनके साथ खेल सकते हो, जब चाहो तब उनके साथ खेल सकते हो। बच्चे की उदासी देखकर पापा ने क्या किया, उसके अप्पा ने दूसरे दिन एक बर्ड का केज और केज के अंदर बहुत सारे बर्ड लेके आ गए, और आते ही तुरंत क्या कहा रविचंद्रन से कि देखो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारे हमारे घर पे ही लेके आ गया हूँ, अब तुम जब अपनी मर्जी चाहो तब उनके साथ खेल सकते हो। तो देखो आंसर में रविचंद्रन क्या करता है, पिताजी अब तो बहुत मज़ा आएगा, यानी वो बहुत खुश हो गया। आपको भी कोई चीज़ चाहिए हो और अगर आपके पापा वो तुरंत ही लाके दे तो आपको खुशी होगी ना, तो वैसे ही ये बर्ड्स को अपने घर पे देख बहुत खुश हो जाता है और बोलता है अब तो बहुत मज़ा आएगा, ओके। चलिए अभी आगे, लो दाना खाओ, पानी भी पियो, हरी मिर्च भी है, आओ मिट्ठू राम, मित्र कुछ खाते क्यों नहीं? यानी वो केज के अंदर बर्ड्स के साथ खेलने लगा, उसको दाना देने लगा, पानी देने लगा, उनकी जो पसंद है मिट्ठू राजा को वो ऐसी हरी मिर्च देने लगा, पर वो बर्ड्स कुछ खाते नहीं है, इसीलिए वो उनसे पूछता है तुम लोग खाते क्यों नहीं हो, ओके। चलो अभी नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। अम्मा रोज मेरे हाथों से मजे से दाने खाते थे, अप्पा जब से इन्हें लाए हैं
ये न दाने खाते हैं न बोलते हैं, ऐसा क्यों? यानी वो बर्ड को दाने दे रहा है, पानी दे रहा है, हरी मिर्च दे रहा है, पर पंछी कुछ भी खाते नहीं है, कुछ भी बोलते नहीं है। इसीलिए रविचंद्रन क्या करता है, उसकी अम्मा से एक सवाल करता है कि ऐसा क्यों है, वो लोग मेरे हाथ से खाते पीते बोलते क्यों नहीं है। तो उसकी अम्मा क्या आंसर देती है, बेटा यह पंछी नए घर में है, पिंजरे में बंद है, एक दो दिन में हिल मिल जाएंगे। अम्मा उसको समझाती है कि पहले वो बाहर उड़ रहे थे, अभी वो पिंजरे में बंद हो गए हैं और इसीलिए ये घर उनके लिए नया है, तो एक दो दिन वो इसमें रहेंगे तो उसके अंदर सेट हो जाएंगे, एक दूसरे से हिल मिल जाएंगे। ऐसा करके उसकी अम्मा उसको समझाती है। चलो अभी क्या होता है, 2 दिन बाद यानी ये केज लाने के बाद, ये बर्ड का केज लाने के 2 दिन के बाद क्या होता है, बेटा तुम इन्हें उड़ा रहे हो, उसके पापा ने देखा। तो रविचंद्रन क्या कर रहा था, उसने 2 दिन पंछियों को रखा पर पंछी नहीं खाते थे, ना ही दाना पीते थे, ना ही दाना खाते थे, ना ही पानी पीते थे, ना ही बोलते थे। तो रविचंद्रन क्या करने लगा, देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई रहा है कि बर्ड हवा में उड़ रहे हैं और केज का दरवाज़ा रविचंद्रन ने अपने हाथ से खुला हुआ है, तो पंछी उड़ रहे हैं यानी वो उसको उड़ा रहा है। उसको पता चल गया कि बर्ड को अंदर रहना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो उसको उड़ा रहा है। तो ये देखकर उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा तुम इन्हें उड़ा रहे हो? तो उसने आंसर दिया, हाँ अप्पा, मैं जान गया हूँ कि ये पिंजरे में नहीं चाहते, इसीलिए उदास है। क्या बताता है कि मैं जान गया हूँ कि ये बर्ड है, उनको पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उदास है, इसीलिए मैं उनको उड़ा रहा हूँ। उसकी अम्मा भी उसको आंसर देती है, बेटा हमें तुम पर गर्व है। उसकी अम्मा भी ये बात से बहुत खुश है और क्या कहती है, हमें तुम पर प्राउड है, गर्व है। ओके, तो ये वाली कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि अपनी खुशी के लिए हमें किसी की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। कभी कभी हम लोग, हमने मम्मी पापा से जिद करते हैं ना कि हमें कोई पेट